दिनांक 23 और 24 को रीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा काफ़ी बड़े लेवल पे होती है, इसमें परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस की पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की है। उसको दो लेवल पे आप समझ सकते हैं पुलिस की व्यवस्थाओं को। एक जो आने जाने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, यानी यातायात के सुगम संचालन के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसमें पुलिस बल बहुत ज्यादा नियोजित किया गया है, चाहे वो बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह के ऊपर पुलिस को तैनात किया गया है। दूसरा, जो परीक्षा केंद्र है उनकी भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, किसी भी तरह का व्यवधान इस परीक्षा के आयोजन में ना हो, परीक्षा जो है पूरी तरह से व्यवधान रहित हो, इसकी शुचिता पूरी तरह से बनी रहे। इसको मद्देनजर बड़ी तादाद में जो जिलों के अंदर उपलब्ध पुलिस बल है उसके अतिरिक्त जो हमारे पास रिजर्व पुलिस बल होते हैं उनको बड़ी संख्या में हमने तैनात किया है, और हर एसपी ने और अपने कलेक्टर के साथ में बैठ के इसका प्लान उसी तरीके से बनाया जैसे हम चुनाव का प्लान बनाते हैं। तो इसमें मोबाइल पार्टियों का गठन, उसमें सेंटर्स के ऊपर दो तीन लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था, काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो परीक्षार्थी हैं उनको ये निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी तरह की अफवाहों पे कोई ध्यान नहीं दें, पूरी सरकारी मशीनरी इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका अभी तक नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसी सूचना किसी को भी मिलती है तो तत्काल जो है प्रशासन को इसकी सूचना दे, पुलिस को इसकी सूचना दे, बदमाश के ऊपर तत्काल कार्रवाई होगी। और कोई भी व्यक्ति किसी के बहकाव में आके, किसी भी अफवाह में आके कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करे, कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे, क्योंकि ऐसा किया गया तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।